अगर 2019 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की जीत हुई तो पार्टी अगले 5 सालों में क्या काम करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इन वादों का खुलासा कर दिया है। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत नाम दिया है। आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या खास है। पहला, आतंकवाद जीरो टॉलरेंस। संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसके ताजा उदाहरण है। दूसरा, राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर बीजेपी का कहना है कि इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो। तीसरा, किसानों को पेंशन। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 7 साल से ऊपर की उम्र वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। चौथा, सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया था। अब बीजेपी ने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हुए वादा किया है कि अगर फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो सभी छोटे बड़े किसानों को ये मदद दी जाएगी। पांचवा, छोटे दुकानदारों को पेंशन। छोटे दुकानदारों को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा, यानी इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। छठा, 2022 तक स्वच्छ गंगा। गंगा सफाई को एक बार फिर बीजेपी ने अपने मिशन में रखा है। 2022 तक गंगा को स्वच्छ रखने का लक्ष्य रखा गया है। सातवा, सैनिकों का कल्याण। बीजेपी ने सशस्त्र बलों के सैनिकों के रिटायरमेंट से 3 साल पहले उनकी पसंद के मुताबिक पुनर्वास की योजना शुरू करने की बात कही है। आठवा, घुसपैठियों की समस्या का समाधान। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे। इसके लिए सभी सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग का पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा। नौवा, धारा 370। राजनाथ ने कहा कि धारा 35A जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ है। ये धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। दसवां, 3 तलाक। बीजेपी ने संकल्प पत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी किया है। तो जाहिर है कि बीजेपी का घोषणा पत्र कांग्रेस के घोषणा पत्र से काफी अलग है। ऐसे में देखना ये है कि जनता जनार्दन किसे मौका देती है और किसे अपने विजन का देश बनाने का मौका देती है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।